हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रैंक के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रैंक को पहचान पाएंगे। साथ ही साथ हर रैंक की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसे भी आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय सेना का नाम दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में गिना जाता है। भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाती है इसके हथियार और इसके जवान। सेना में भी पद का एक क्रम होता है जिसके अनुसार सेना में कार्य किए जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि सेना में रैंक का क्या क्रम है। तो चलिए आपको बताते हैं। इंडियन आर्मी रैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ग्रुप ए सर्विसेज ऑफिसर के इक्विवेलेंट है। नंबर 2, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर के इक्विवेलेंट है। नंबर 3, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिन्हें ORS अदर रैंक्स भी कहा जाता है। तो हम आज बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट के शोल्डर्स पे 2 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। ये भारतीय सेना में शुरुआती कमीशन्ड रैंक होती है। IMA, OTA जैसी एकेडमीज में ट्रेनिंग के बाद जब यंग ऑफिसर्स पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। इसके बाद उनका प्रमोशन होता है। लेफ्टिनेंट को YO यानी कि यंग ऑफिसर भी बोला जाता है। लेफ्टिनेंट यूनिट में अपनी ट्रेनिंग और लीडरशिप एबिलिटीज को डेवलप करता है और ट्रूप को कैसे लीड करना है ये भी सीखता है। लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। एक कमीशन्ड ऑफिसर 2 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है, तो कैप्टन बनने के लिए कम से कम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। कैप्टन बटालियन की कंपनी या किसी यूनिट की बैटरी को लीड करता है जिसमें लगभग 120 सोल्जर्स होते हैं। कैप्टन साथ ही एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, OP ऑफिसर, GPO की ड्यूटी भी करता है। वहीं आपको बता दूं, कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। चलिए अब जानते हैं मेजर रैंक के बारे में। मेजर रैंक के ऑफिसर की यूनिफॉर्म पे एक अशोक स्तंभ लगा होता है। एक ऑफिसर को कैप्टन से मेजर बनने के लिए 6 इयर्स की सर्विस करनी पड़ती है और पार्ट बी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। मेजर भी कंपनी या बैटरी को लीड करता है और साथ ही एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, OP ऑफिसर, GPO का काम भी करना पड़ सकता है। वहीं मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है। अब नजर डालते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पर अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन या यूनिट में सेकंड इन कमांड होता है, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर की एब्सेंटी या लीव के दौरान बटालियन को लीड करता है और जरूरत पड़ने पर कंपनी को भी लीड करता है। आपको बता दूं, इसके साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बटालियन को अच्छी ट्रेनिंग देना भी होता है और वहीं बटालियन के अकाउंट की जिम्मेदारी भी लेफ्टिनेंट कर्नल की ही होती है, यानी कि सेकेंड इन कमांड की होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल 6th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है। दोस्तों, अभी तक हमने जिन रैंक्स के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक है, यानी कि एक निश्चित सर्विस के बाद ये रैंक्स मिल जाती है। सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ पार्ट बी एंड पार्ट डी एग्जाम फॉर मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल रेस्पेक्टिवली। अब आगे जो हम रैंक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ये सब सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रमोशन के लिए उनके डिफरेंट कोर्सेज की ग्रेडिंग और मेरिट और साथ ही साथ ऑफिसर की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसको ACR भी कहते हैं, इनको कंसिडर किया जाता है। तो अब बात करेंगे कर्नल रैंक की। कर्नल की यूनिफॉर्म पर 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है। कर्नल और इससे ऊपर के रैंक सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं। इसके आगे के प्रमोशन को सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है। कर्नल बनने के लिए कम से कम 15 इयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। कर्नल एक बटालियन या यूनिट को कमांड करता है और इन्हें CO यानी कमांडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। एक बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है जिसमें लगभग 900 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं। कर्नल बटालियन या यूनिट को 2-3 साल तक कमांड करता है और उसके बाद हायर फॉर्मेशंस में स्टाफ ड्यूटी भी करता है। मोस्टली ये देखा गया है कि ऑफिसर कमीशन थ्रू ND एंट्री गेट अप्रूव्ड फॉर कर्नल रैंक इन हिज फर्स्ट चांस।
यहाँ पे एक बात और आप जरूर समझिए कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल किसी वजह से कर्नल रैंक के लिए अप्रूव नहीं हो पाते हैं, वो भी अपनी 26 इयर्स की सर्विस पूरी होने के बाद टाइम स्केल प्रमोशन के तहत कर्नल बन जाते हैं, बट उन्हें बटालियन कमांड करने का मौका नहीं मिल पाता है। वहीं अगर रैंक की बात करें तो कर्नल 5th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और कर्नल 54 इयर्स तक सर्विस कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर अपने शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम के साथ 3 5 पॉइंटेड स्टार्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस में लगाता है। ये एक 1-स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। ब्रिगेडियर भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 26 इयर्स सर्विस मैंडेटरी होती है। ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड को कमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में लगभग 3000 बैटल ट्रूप्स विद सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं। ब्रिगेड कमांड करने के बाद ब्रिगेडियर हायर फॉर्मेशंस में वेरियस स्टाफ ड्यूटी भी करते हैं। वहीं ब्रिगेडियर 56 इयर्स तक सर्विस कर सकता है। और रैंक की बात करें यहाँ पर तो ब्रिगेडियर 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करेंगे मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के शोल्डर्स पे एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। मेजर जनरल एक 2-स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। मेजर जनरल्स रैंक में प्रमोट होने के लिए कम से कम 32 इयर्स ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट होती है। मेजर जनरल डिवीजन को कमांड करता है। एक डिवीजन में लगभग 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स एंड 8,000 सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। वन डिवीजन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3-4 ब्रिगेड। मेजर जनरल भी डिवीजन कमांड करने के बाद हायर फॉर्मेशन लाइक कोर कमांड एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स में वेरियस पोस्ट में काम करता है। मेजर जनरल 3rd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और मेजर जनरल 58 इयर्स तक सर्विस कर सकता है। चलिए अब जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3-स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल का प्रमोशन भी सिलेक्शन से होता है जिसके लिए कम से कम 36 इयर्स की सर्विस जरूरी होती है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांड और कोर को कमांड करता है। अभी इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स हैं और 14 कोर हैं। कोर में 3-4 डिविजन्स होती हैं। वहीं एक और बात मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल इज 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है और लेफ्टिनेंट जनरल 60 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल के यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम, एक 5 पॉइंटेड स्टार और क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। जनरल एक 4-स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाया जाता है। जनरल का कार्यकाल 3 साल तक का होता है या फिर 62 इयर्स की एज तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। ये भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है और इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। इन सभी रैंक के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जो कि सेरेमोनियल रैंक भी जिसे कहते हैं हम लोग, और वो है फील्ड मार्शल रैंक। वैसे तो थल सेना में सबसे ऊंची रैंक फील्ड मार्शल की होती है। ये पद किसी को सम्मान के रूप में दी जाती है, ये किसी नियमित अधिकारी को नहीं दी जाती है। जैसे अगर किसी अधिकारी ने युद्ध या किसी ऑपरेशन में सर्वोच्च प्रदर्शन किया हो तो उसे ये दी जाती है। आपको यहाँ पे बता दें कि अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को ही दी गई है, जिसमें एक हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम शामिल है। हालांकि अब ये उपाधि किसी को नहीं दी जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से एक इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के रैंक्स के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इंडियन आर्मी रैंक्स के बारे में जानकारी मिले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।